हेलो किड्स, आज मैम फिर से आपके सामने आई हैं। आज आपको पता है हम क्या करने वाले हैं। आप ये देखिए, मैम के पास ये क्या है, टेडी बेयर। टेडी बेयर को हिंदी में क्या कहते हैं, भालू। तो आज मैम आपके लिए हिंदी राइम लेकर आई है जिसका नाम है भालू आया। तो आज हमारी राइम का नाम है भालू आया। और आपको पता है कि जो भालू है वो तमाशा दिखाने के भी काम आता है ना। आपने कभी देखा आपकी गली में कोई आता है घर के पास जो ऐसे खेल दिखाता है। ये कौन है, ये मदारी है जिसके इशारे पर भालू डांस करता है, जैसे इन्होंने इन्हें ट्रेन कर रखा है। और फिर ये सबसे पैसे इकट्ठे करते हैं। तो आज हमारी राइम का नाम है भालू आया। तो चलिए, मैम के पास भी एक भालू है, हम स्टार्ट करें। चलिए देखिए, भालू आया, ठुमक ठुमक कर नाच दिखाया। भालू आया, ठुमक ठुमक कर नाच दिखाया। खेल मदारी दिखा रहा है, डम डम डमरू बजा रहा है। खुश होकर सब देख रहे हैं, ठन ठन पैसे फेंक रहे हैं। भर दी है पैसों से थाली, बजा रहे हैं बच्चे ताली। मैम बच्चे नहीं है, बच्चे तो आप हैं। तो जब कोई आपकी गली में आपके घर के पास ऐसे कोई तमाशा दिखाने आएगा तो वो लास्ट में कहते हैं ना, क्लैपिंग करने के लिए, तालियां बजाने के लिए। तो हम सब बजाते हैं ना। चलिए फिर से हम रिपीट करेंगे। भालू आया, ठुमक ठुमक कर नाच दिखाया। खेल मदारी दिखा रहा है, डम डम डमरू बजा रहा है। खुश होकर सब देख रहे हैं, ठन ठन पैसे फेंक रहे हैं। भर दी है पैसों से थाली, बच्चे बजा रहे हैं ताली। तो कितनी अच्छी राइम है ना। अब आपको भी ये राइम घर पर लर्न करनी है विद एक्शन। ओके, तो चलिए अब हम एक एक्टिविटी भी करेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पर इस राइम में पूछा गया है कि मदारी की थाली में कितने सिक्के हैं। ये कौन है, मदारी। और इसकी थाली कहाँ पर है, ये रही थाली। तो अब हमें इसमें सिक्के यानी कॉइन्स को गिनना है, काउंट करना है कि कितने। तो चलिए स्टार्ट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो मदारी की थाली में 14 यानी कि 14 सिक्के हैं। सिक्के मतलब कॉइन्स। तो अब आपको अपनी हिंदी की राइम भालू आया लर्न करनी है विद एक्शन। ओके, तो आप इसकी एक छोटी सी वीडियो बनाकर मैम को व्हाट्सएप पर भी सेंड कर सकते हैं। मैम भी ये देखना चाहती है कि आप मैम से भी अच्छे एक्शन कर सकते हैं। और भी आप प्रॉप्स का भी यूज कर सकते हैं। और इसमें जो जो भी आप देख रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पर मदारी है और यहाँ पर डमरू भी दिया हुआ है, तो वो ऐसे प्रॉप्स को भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मैम जल्दी से आएंगी एक और नई हिंदी कविता के साथ। तो ठीक है, एंड जय श्री कृष्ण।